हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक स्वीट डिश बनाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है और घर में ही रखे सामान से बन सकती है। तो कस्टर्ड तो सबके घरों में पड़ा ही रहता है, कस्टर्ड मैंने बना रखा था इस तरीके से। आपने भी अगर कस्टर्ड बनाया होगा तो उससे ये स्वीट डिश बहुत ईजीली बन जाएगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर रस्क लिए हैं, रस्क के पैकेट भी होते हैं सबके पास, तो ये लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेंगे। दूध आप नॉर्मल कोई भी दूध ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने सेटिंग करने के लिए एक स्क्वायर वाला एक बर्तन लिया है, डिश लिया है एक, जिसमें कि इजीली आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रस्क लिए है। रस्क को इस तरीके से दो तीन बार आप पानी में दूध में आप इस तरीके से डिप कर देंगे, जिससे कि अच्छे से अंदर तक दूध चला जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और इसको इस तरीके से आप लगा देंगे। इसी तरीके से हम सारे लगा लेते हैं, दो तीन बार ज़रूर करें जिससे कि दूध चला जाए अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम लगा देते हैं, इसी तरह से सारे लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया था, मैंने ये फ्रूट कस्टर्ड बनाया हुआ है, इसकी लेयर एक लगा देते हैं। एक कस्टर्ड की रेसिपी भी मैंने आपके लिए लास्ट में दे दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे में लगा दिए, अच्छे से एक लेयर लगा दीजिए। अब इसके बाद फिर से हम रस की लेयर लगाते हैं, सेम प्रोसेस ही करना है हमने। ये रस को फिर से हम लोग मिल्क में डिप करके और इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें आइसक्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये स्वीडिश बनता है। ये देखिए दूसरी लेयर भी हमने अच्छे से लगा दी है। अब हम इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड की लेयर जमा देते हैं। ये इसी तरह से फिर से कस्टर्ड लगा दिए इसके ऊपर। देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है ये। इस तरीके से हम पूरी लेयर लगा देते हैं इसके ऊपर। ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स वगैरह काफ़ी डले हुए हैं, तो बच्चे नॉर्मली जैसे कई बार फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से खा लिए। तो ये देखिए मैंने पूरी लेयर लगा दी है अच्छे से। ये देखिए इसके ऊपर हमें थोड़े से ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं, वो हम डेकोरेट कर देते हैं जिससे कि देखने में और अच्छा लगता है। ये आजकल मैंगो बहुत आ रहे हैं तो मैंगो से मैं डेकोरेट कर रही हूँ इसको। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से हमारी ये स्वीट डिश बन के रेडी है। इसको अब हम दो तीन घंटे फ्रिज में रख देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी और उसके बाद खाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसी तरह से और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कस्टर्ड बना रही हूँ जिसको कि ठंडा ठंडा खाने में मज़ा अलग ही है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो मिल्क लिया, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। दूध को खोल के पतीले में डाल देते हैं। दूध को मैंने पतीले में डाल दिए और इसको हम गैस पे रख दिए, उबाला देते हैं। जैसे ही उबाला आ जाएगा फिर हम कस्टर्ड डालेंगे। तो अभी इसको उबलने देते हैं दूध को। जब ये दूध उबाले बीच में कड़छी से हिलाते रहे जिससे कि हमारा दूध जो है नीचे ना लगे। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम लोग कस्टर्ड को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने गिलास लिया, इसके अंदर मैं 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड डाल रही हूँ। 4 बड़े चम्मच, क्योंकि 1 किलो दूध है हमारा, तो 4 बड़े चम्मच।
कुछ लोग थोड़ा सा पतला ढीला अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टाइट अच्छा लगता है, तो वो अपनी पसंद से आप कस्टर्ड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कस्टर्ड ले लिया। अब इसमें पानी डाल के इसको घोल बना लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए गाढ़ा सा एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। चार बड़े चम्मच डाले मैंने, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये देखिए इस तरीके से वाटरी सा हो गया है, तो इस तरीके से अच्छे से घोल लेना, लम्स नहीं रहने चाहिए। ये मैंने अच्छे से घोल लिया है, तो इसको साइड में रख देते हैं और अपना दूध देखते हैं। ये देखिए दूध में उबाला आ गया है। गैस को हम थोड़ा धीरे कर देते हैं और जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया था गिलास में, वो इसको धीरे धीरे इसमें डालते हैं। ये देखिए गिलास में घोल जो बनाया था मैंने, वो डालते हैं। धीरे धीरे डालेंगे और हिलाते रहेंगे लगातार, इस तरह से धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ और हिलाए जा रही हूँ। इस तरीके से आपने बनाना है। सारा मैंने डाल दिया है और इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और नीचे भी लग सकता है, तो इसलिए इसको ज़रूर हिलाएं अच्छे से साथ साथ। और फिर से उबाला आने देते हैं। इसमें बॉयल आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं। कम से कम 4 चम्मच के करीब ही हम चीनी डाल देंगे। और चीनी कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है ज़्यादा डाल दीजिए, कम चीनी पसंद है कम डाल दीजिए। तो इस तरीके से इसको अच्छे से उबाला आने देते हैं और हिलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप चाहे किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं मार्केट से, सभी कस्टर्ड इसी तरह से बनता है। तो ये मैंने अच्छे से बना लिया है, इसको अच्छे से बॉयल आ गया है और ये देखिए कितना थिक हो गया है। आप इसको और ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो कस्टर्ड और डाल दीजिए, अगर इसी तरह से रखना चाहते हैं तो इसी तरह से रख लीजिए। ये देखिए अच्छे से उबाला आ गया है और बन भी गया और थिक भी हो गया जितना मुझे चाहिए। तब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, ये देखिए। तो मैंने अब यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स ले लिए हैं, मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। ये देखिए मैंने नाशपाती, एप्पल और ये मैंने थोड़ा सा केला और ये देखिए मैंने अनार, और आजकल आम बहुत आ रहा है तो मैंने आम भी काटे हैं। तो ये सारे हम इसमें कस्टर्ड में डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे मिक्स कर दिए। सेब है, नाशपाती है और ये थोड़ा सा बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है इतने सारे फ्रूट्स डल के, और ये मैंगो भी डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, 1-1.5 घंटा फ्रिज में रहेगा, बिल्कुल एकदम चिल्ड हो जाएगा और तभी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।